तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Asus Rog 3 की। नहीं, कंपनी ने सेंड नहीं करा, कंपनी ने Asus Rog 2 सेंड किया था आफ्टर 3 मंथ ऑफ लॉन्च। तो मैंने सोचा इतना वेट तो नहीं कर सकते, हम खुद ही बाय कर लेते हैं। तो ये फोन मैंने खुद बाय करा है और आपको पता ही है कि काफी टाइम हो चुका है, तो अब मैं इसके बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। काफी सारे लोग बोल रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ऑफ 2020। मैं मना करता हूँ कि नहीं है। यहाँ पर काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज में जिनके अंदर आप गेमिंग कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यार। वीडियो अच्छी लगे तो लीव अ लाइक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके पास अगर ये फोन है तो आपका एक्सपीरियंस सेम रहा या नहीं रहा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को कर देना प्रेस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है इसकी बिल्ड। यहाँ पर डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि Asus Rog 2 के अंदर देखने के लिए मिलता था, बट थोड़ी बैक क्लीन कर दी इन्होंने इस बार। दूसरी चीज, ये फोन अभी भी काफी ज्यादा स्लिपरी है जिसकी वजह से आपको बॉक्स के अंदर ये देखने के लिए मिलता है छोटू सा आपको बैक कवर, और आप इसे फिट कर लीजिए फिर आपको थोड़ी बहुत ग्रिप देखने के लिए मिल जाएगी। ये फोन थोड़ा बड़ा है, अगर आप इसे पॉकेट वगैरह में रखते हैं तो आपको अलग ही देखने के लिए मिलेगा कि आपने कुछ हैवी चीज रखी हुई है पॉकेट के अंदर। तो ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज हो सकती है उन लोगों के लिए जिनको एक कंफर्टेबल फोन चाहिए, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मेरे को दिक्कत लगी डे टू डे लाइफ में इस फोन को यूज करते हुए। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें एक चेंज करा गया है, लाइक Asus की जो Rog सीरीज है उसमें राइट साइड में आपको मदरबोर्ड देखने के लिए मिलता है और कोई भी फोन मदरबोर्ड से जल्दी हीट होता है। तो यहाँ पर इन्होंने चेंज क्या करा है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं ऊपर की तरफ ग्लास है, अंदर की तरफ मेटल है और उसके अंदर थर्मल पेस्ट देखने के लिए मिलता है। तो मदरबोर्ड जब भी हीट होगा तो ये अपनी हीट ट्रांसफर करेगा इस मेटल प्लेट के अंदर, और मेटल जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है। तो यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए ना हवा चाहिए, और हवा के लिए एयर वेंट आपको देखने के लिए मिलता है साइड में। तो हवा आएगी और जाएगी एयर वेंट से और ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये फोन काफी जल्दी गर्म होता है और उतनी ही जल्दी यहाँ पर ठंडा भी हो जाता है इसकी वजह से। तो आपको ये एडवांटेज देखने के लिए मिलती है। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में ये चीज होगी एयर वेंट है तो यहाँ से डस्ट और वाटर जा सकता है, तो इसके अंदर मैश लगाया हुआ है जिसकी वजह से वो दोनों चीज नहीं जाएंगी, सिर्फ हवा का ही काम है भाई इसमें। अब यहाँ पर ये आपको एक अपग्रेड देखने के लिए मिलता है इसके डिजाइन में। तो भाई यहाँ पर डिजाइन के लिए आपको लोगो देखने के लिए मिलता है ना, और ये काफी ज्यादा कूल भी लगता है। तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और टैग करना इस वीडियो को Asus इंडिया को ट्विटर पर। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे से मतलब है यहाँ पर इसकी डिस्प्ले से। तो इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 270 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, उसकी टच सेंसिटिविटी काफी ज्यादा है। अगर आप मुझसे पूछे कि 120 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज में ज्यादा डिफरेंस है क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, आपको नोटिसेबल डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप 120 हर्ट्ज की तरफ भी जा सकते हैं, अगर आप 120 हर्ट्ज यूज़ कर रहे हैं तो आप 120 हर्ट्ज यूज़ करते रहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो टच सेंसिटिविटी आपको इतनी ज़्यादा अमेजिंग मिलती है, ये यूज़फुल भी है और यूज़लेस भी है। अब यूज़लेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लाइक आप अगर स्क्रॉल अप करते हैं स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कोई भी आइकन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप अपनी फिंगर को पूरा टच भी नहीं करवाएंगे ना, हल्का सा डिस्प्ले के ऊपर ही रखेंगे तो अपने आप ये टच ले लेता है। तो यहाँ पर एक तरीके से एक्सीडेंटल टच आपको इस फोन में काफ़ी सारे देखने के लिए मिलने वाले हैं, और मैंने कर्व पैनल भी यूज़ कराया, इतने उसके अंदर नहीं मिलते लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं टच सेंसिटिविटी की वजह से। तो यहाँ पर टच सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से एक तरीके से वो प्रैक्टिकल नहीं है और आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग भी लगेगी ये चीज़। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई रिफ्रेश रेट और टच सैम्पलिंग रेट की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की। तो डिस्प्ले क्वालिटी भाई मैं कहूँगा कि 20,000 रुपये वाले फ़ोन भी इससे बेटर दे देते हैं। रीज़न पहला क्या है, लाइक आप अगर इसमें कोई YouTube वीडियो देखते हैं और YouTube वीडियो में कलर ग्रेडिंग होती है, हर किसी चीज़ में होती है, तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर ब्लैक क्रश इशू देखने के लिए मिलता है, और ये सॉफ्टवेयर बेस है और सॉफ्टवेयर के मामले में Asus का हाथ बहुत तंग है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी क्लियर करना था, और लास्ट ईयर भी मैंने इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी इनके Asus Rog 2 के बारे में, बट ये नंबर देखकर ओपिनियन लेना पसंद करते हो शायद, तो हमारी ओपिनियन इन्होंने ना ली हो। तो इसकी डिस्प्ले में जो ब्लैक क्रश इशू है इसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाला है। जब ब्लैक पार्ट आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कलर शो करता है, कहीं से ग्रे करता है कहीं से थोड़ा सा रेडिश करता है, और पिक्सल्स भी ऐसे लगते हैं फटे फटे से। तो यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस है इसकी डिस्प्ले के साथ कुछ खास नहीं रहा, और ये भी है कि इसके व्यूइंग एंगल्स काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं। बेकार किस वजह से, इसकी जो ऊपर की तरफ प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है वो अलग अलग कलर शो करती है। तो यहाँ पर अगर कोई लाइट है आपके हेड के ऊपर और आप कोई कंटेंट वॉच कर रहे हैं और हल्का सा फोन को टिल्ट भी कर देते हैं तो अलग अलग कलर देखने के लिए मिलते हैं इसकी डिस्प्ले में। तो यहाँ पर ये हार्डवेयर बेस इशू है, लेकिन ब्लैक क्रश सॉफ्टवेयर बेस इशू है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, और प्रॉब्लम और भी हैं जिनके बारे में बता देता हूँ। लाइक आप अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं और मेरी तरह लाइक आप स्पीड अप करके देखते हैं वीडियो को, तो ऑडियो और वीडियो डीसिंक हो जाती है, तो ये भी सॉफ्टवेयर बग देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट चीज आपको देखने के लिए मिलती है लाइक HDR वीडियो जब आप वॉच करते हैं किसी भी फोन के अंदर, यहां पर ऐसे नहीं है कि इसके अंदर ही, तो HDR वीडियोस ऑन करने के बाद क्या है कि HDR वीडियो के अंदर एक
एक चीज होती है एनवायरमेंट के हिसाब से, वो अपने आप ब्राइटनेस को ज्यादा और कम कर लेती है ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो यहाँ पर भी यही है, और अगर सेंसर के आगे हाथ जाता है ना तो वो आराम से उसको कम कर लेती है ब्राइटनेस को। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेंसर के आगे अगर हल्का सा भी हाथ चला गया ना तो बहुत ही जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करती है, और ये चीज मैंने ट्विटर पर भी डाली थी। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है इसकी डिस्प्ले में, क्योंकि आप अगर लैंडस्केप मोड पर वीडियो देख रहे हैं तो इसके सेंसर के आगे आपका हाथ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि फोन काफी ज्यादा बड़ा है और जिसकी वजह से आपको फ्लक्चुएशन काफी भर भर कर देखने के लिए मिलने वाली है इसकी डिस्प्ले के अंदर। तो इसकी डिस्प्ले में एक नहीं काफी ज्यादा बग है, और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि इसकी डिस्प्ले से अच्छे 20,000 रुपए वाले फोन की डिस्प्ले होती है, उनके अंदर आजकल कोई कलर वगैरह ऐसे अजीब अजीब तो देखने के लिए नहीं मिलते। तो Asus को इस चीज को भाई इंप्रूव करना होगा। और जैसे मैंने बताया टिंट वाला इशू तो इसके अंदर जो है, जैसे कि आप फोन को थोड़ा बहुत टिल्ट करते हैं वो तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर है, ऊपर की तरफ जो ग्लास है वो कलर्स को शो करता है अजीब अजीब, तो यहाँ पर डिस्प्ले में ये इशू देखने के लिए मिलता है। अब मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, लाइक आप अगर फोटो वगैरह कैप्चर करते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर आपको खुद की फोटो अच्छी नहीं लगेगी इसके डिस्प्ले के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे कंप्यूटर वगैरह में तो आपको काफी ज्यादा अमेजिंग देखने के लिए मिलेगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है फोन के अंदर आफ्टर प्रोसेसर वो आती है डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले में ही आपका डे टू डे लाइफ का काम होता है। आप कोई भी कॉन्टेंट देखते हैं वो डिस्प्ले में देखते हैं, फोटो कैप्चर करते हैं वो डिस्प्ले में देखते हैं, मूवी देखते हैं वो डिस्प्ले के अंदर देखते हैं। तो डिस्प्ले इस फोन की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर यह एक मेन वजह है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इससे बेटर और बहुत सारे फोन हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं इस प्राइस रेंज में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर कैमरास की बात कर लेते हैं, इसमें एक अल्ट्रा वाइड और एक वाइड मिलता है जिनकी आप यहाँ पर क्लियरिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ इन्होंने ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं करा, लास्ट ईयर भी यही देखने के लिए मिलता था। यहाँ पर लास्ट ईयर से हल्का सा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, लेकिन इतना कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं मिलता। यहाँ पर कलर्स आप देख सकते हैं मेरे को कुछ खास नहीं लगे, डायनेमिक रेंज में काफ़ी कमी लगी। फ्रंट में इन्होंने हालांकि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करी है, लेकिन एज डिटेक्शन फ्रंट का अच्छा नहीं है, और बैक का एज डिटेक्शन अच्छा है तो अगर आप उसे जूम करेंगे तो वहाँ से पिक्सल फट जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो नंबर्स में रेजोल्यूशन बढ़ाए हैं उनका एक्चुअल में बैक में कोई काम नहीं देखने के लिए मिला, और डायनेमिक रेंज तो इनकी काफी ज्यादा अजीब देखने के लिए मिली है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कैमरास के लिए तो ये फोन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फ्रंट में थोड़ी बहुत मुझे लगा कि कलर्स वगैरह अच्छे हैं, बट इस प्राइस रेंज के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता फ्रंट कैमरा भी। तो यहाँ पर ये हो गई कैमरास की बात। अब बात करें स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट। लाइक मैंने एक एक डेढ़ डेढ़ लाख के फोन रिव्यू करें अपने चैनल पर, आपको पता ही है वहाँ पर भी स्पीकर्स की इतनी साउंड नहीं मिलती और बेस भी काफ़ी ज़्यादा है इनके अंदर। बट अगर मैं उनसे कंपेयर करूँ इसे तो इसके अंदर थोड़े डिस्टॉर्शन मिलता है, उनके अंदर क्लीन साउंड मिलती है। लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से देखूँ तो इसके स्पीकर्स वन ऑफ द बेस्ट हैं और बेसी भी हैं। अब यहाँ पर आपको 3.5mm जैक का गड्ढा तो नहीं दिया गया, तो गड्ढा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको टाइप सी जो पोर्ट देखने के लिए मिलता है, इसमें एक दिक्कत है, यहाँ पर साउंड इतनी अच्छी नहीं है। लाइक गेमिंग के लिए फोन बना है, गेमिंग में भी इनकी साउंड इतनी ज्यादा नहीं है, मेरे को टाइप सी की साउंड इतनी अच्छी नहीं लगी इसके प्राइस के हिसाब से। अब बढ़ते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। 865 प्लस दिया गया है इस फोन के अंदर, 5G फोन है, और इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अमेजिंग है। डे टू डे लाइफ में हैवी से हैवी टास्क कर लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी परफॉर्मेंस के मामले में, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन 5G के चक्कर में अगर आप फोन को बाय कर रहे हो तो मत करना। अगर आपके पास 865 भी है ना फोन के अंदर तो वो काफी सही प्रोसेसर है, ऐसे नहीं है कि आपको 865 प्लस की तरफ ही जाना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सही देखने के लिए मिलती है, बट ये फोन काफी ज्यादा हीट होता है इस तरफ से जहां पर इसका मदरबोर्ड है, और ठंडा भी उतनी जल्दी हो जाता है। तो यहां पर ये हो गए इसके परफॉर्मेंस की बात। अब बढ़ते हैं यहां पर आपको ऊपर की तरफ 8 ट्रिगर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिनके अंदर आपको थोड़े बहुत और नए फीचर्स दिए गए हैं, मोशन कंट्रोल ट्रिगर वगैरह जैसी चीजें। और आपको जैसे पता है इसके अंदर एक्स मोड देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आप अपने सीपीयू को थोड़ा बहुत और कर सकते हैं पावरफुल। तो यहां पर ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं इस फोन के अंदर। तो फाइनल ओपिनियन टाइम, तो मैं आपको बता दूं अगर आप एक हैवी गेमर है, क्योंकि यहां पर बैटरी भी 6000mAh की मिलती है, आप लॉन्ग टाइम तक गेमिंग कर सकते हैं, तो ये फोन की तरफ आप जा सकते हैं। बट इस फोन के अंदर डिस्प्ले इशू है, यहां पर आपको कैमराज अच्छे नहीं मिलते। यहां पर कुल मिलाकर जो आपको डे टू डे लाइफ में फोन यूज करने के लिए अगर चाहिए तो मेरे हिसाब से ये फोन नहीं है। अगर आपको इससे बेटर फोन चाहिए तो काफी सारे हैं, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ मिल जाते हैं, इससे बैटरी डिस्प्ले मिलती है, कैमराज इससे लाख गुना अच्छे देखने के लिए मिलते हैं और डिस्प्ले भी। तो यहां पर आप उनकी तरफ जा सकते हैं, वो फोन भी 5G मिल जाएंगे आपको, 865 के साथ मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको और भी बहुत सारे बेटर ऑप्शंस मिलते हैं, और उस बेटर ऑप्शन का नाम है OnePlus 8 Pro। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है किसी की तरफ से, क्योंकि मैं सारे फोन खुद बाय करता हूं, मेरे लिए कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो आप लोग जो कि पैसा लगाते हो किसी चीज के लिए और आपको रिजल्ट अच्छे ना मिले तो
मेरे हिसाब से आपको बहुत दुख होगा, इस वजह से मैं अपनी ओपिनियन में यहाँ पर क्लियरली बोल रहा हूँ। तो आप जा सकते हैं मेरे हिसाब से वन प्लस 8 प्रो की तरफ, वहाँ पर भी गेमिंग सेम ही होगी जैसे कि यहाँ पर है, बट यहाँ पर टच सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छी मिलती है उसके कंपैरिजन में, लेकिन टच सेंसिटिविटी की वजह से यहाँ पर डे टू डे लाइफ में एक्सीडेंटल टच काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लीव अ लाइक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्मार्टफोन एंड दिस वीडियो, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को कर देना प्रेस। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए चौमन में आया गाइस, वो करें टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद HFV Unbox गाइस।